वेलकम टू क्रिप्टो एस्पायर। क्रिप्टो एस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे और खुद ट्रेड ले पाएंगे, ऐसा टिप्स आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट पीसीआर रेशियो। तो स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है पीसीआर स्ट्रैटेजी। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पीसीआर? पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली पीसीआर का फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज इसको अगर देखेंगे तो मार्केट आज ओपन हुआ था, मतलब मार्केट ओपन होता है आप देख पा रहे हो दोस्तों 9:15 तक, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो बेसिकली ये है पुट कॉल रेशियो, पीसीआर रेशियो आज का निफ्टी का पीसीआर रेशियो। इज इट क्लियर और नॉट? तो निफ्टी का पीसीआर रेशियो अगर हम देखते हैं तो हम पीसीआर का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुट कॉल रेशियो। यहाँ पर पुट का मतलब क्या है? पुट का मतलब बेसिकली होता है हम लोगों को सेलर की प्रोस्पेक्टिव में सोचना पड़ेगा। सेलर का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल और एक बार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कॉल का मीनिंग क्या होता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप लोग करते हो तो आपको पता ही है कि कॉल में बाई भी होता है पुट भी होता है। सिमिलरली पुट में भी बाई होता है एज वेल एज सेल भी होता है, ठीक है। तो कॉल का बाई मतलब क्या है? कॉल का बाई मतलब है आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाएगा मतलब मार्केट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा या बैंक निफ्टी बढ़ेगा। अगर आप पुट में बाई बोल रहे हो दैट मीन्स आप चाह रहे हो कि मार्केट घटेगा मतलब नीचे आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हम लोग बायर की प्रोस्पेक्टिव में नहीं देखेंगे, वी विल थिंक अबाउट, वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर सेलर प्रोस्पेक्टिव। अगर सेलर यहाँ पर कॉल पे सेल कर रहा है, कॉल पे बाई मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल पे सेल मतलब वो चाह रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। सिमिलरली पुट में बाई मतलब मार्केट नीचे जाएगा, पुट में सेल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर अगर आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग सेलर की प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को दोस्तों। तो पुट में सेल, सेलर की प्रोस्पेक्टिव में हम देख रहे हैं, तो पुट में सेल और कॉल में सेल, मतलब यहाँ पर जो कॉल है, कॉल लिखा है यहाँ पर, पुट लिखा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हो, इसका मतलब है पुट में वो सेल कर रहा है और कॉल पे सेल कर रहा है। अच्छे से समझिए चीज़ को। अगर ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत पैसा कमा सकते हो। आप अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो कॉल यहाँ पर कॉल पे शॉर्ट कर रहा है, देखिए 9:30 में जो हुआ कॉल पे, जो जितना अमाउंट ऑफ शॉर्ट हुआ था वो था, सेल हुआ था 4,63,200, मतलब 4,63,200। सिमिलरली आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो पुट में जो सेल हुआ था दैट वाज अराउंड 63,22,850, और इसका पुट एंड कॉल का जो रेशियो था वो था 13.65। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये जो रेशियो मतलब पुट बाई कॉल का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1.25 है, अच्छे से नोट करिए इस चीज़ को, अगर पुट डिवाइडेड बाई कॉल मतलब पीसीआर, यहाँ पर जो देख रहा है जो पीसीआर रेशियो है, टोटल पीसीआर रेशियो है, आई होप यू गॉट द आइडिया, ये अगर ग्रेटर देन 1.25 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पुट साइड में ज़्यादातर शॉर्ट हो रहा है, इसीलिए तो रेशियो बढ़ रहा है ना। अगर ये रेशियो कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो। तो इसका मतलब आप देखिए आज के चार्ट, अगर 9:30 में कितना था, 9:30 में आप अच्छे से देखिए, 9:30 में था 13.65, फिर 9:45 में 12 के आसपास पे 9 आया, फिर 10:15 तक आया है 10.25 एंड सो ऑन, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था आज का दोस्तों। ये आज का चार्ट है, आप अच्छे से देखिए इस चीज़ को। तो कोई नहीं बताएगा इतने अच्छे से क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। आपको ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आप खुद इसको ट्राई कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए, आपको ज़रूर इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, पी शेयर लगातार ग्रेटर देन 1.25 था और लगातार ये बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर भी गया आज अगर आप देखें तो। सिमिलरली अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी का जो चार्ट था आप देखिए, मार्केट जब ओपन हुआ था, मार्केट जब ओपन हुआ था दोस्तों आप देख सकते हो इसमें, तो मार्केट जब ओपन हुआ था तब ये था 1.36, देन 1.17, 1.07। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मार्केट जब जो पी सी आर का रेशियो अगर 0.75 से नीचे है, मतलब लेस देन 0.75, तो मार्केट नीचे जाने का संभावना है। अगर पी सी आर इज लेस देन 0.75, इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने का संभावना ज़्यादा है, और 10 में अगर 10 ट्रेड आप लेते हो तो 7-8 में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो अगर वो लेस देन 0.75 है, दैट मीन्स मार्केट नीचे जाने का संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप देख अगर इसका चार्ट अगर आप अच्छे से देखेंगे देख सकते हो तो क्या क्या हुआ आप देखिए। तो ये जब 1.17 था तब जब 0.88 आया, 0.90 आया, इस मतलब कि अगर पुट में यहाँ पर आप कॉल बाई करते तो आपको बहुत मुनाफा होता दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो लूपहोल है, जो ड्रॉबैक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर जिस मार्केट अगर 0.75 से 1.25 के अंदर है, मतलब 0.75 से 1.25 के बीच में पी सी आर रेशियो है, तो वो ट्रेडिंग जोन नहीं है। उस टाइम आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप एंट्री लोगे तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था, हम लोग पिवट पॉइंट्स एज वेल एज हम लोग हम लोग स्ट्रैटेजी यूज़ किया था, सुपर ट्रेड यूज़ किया था, ADX यूज़ किया था, ठीक है। उसके साथ अगर आप पी सी आर रेशियो को भी अच्छे से समझोगे तो आई होप आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह आप वीडियो पाने के लिए, आप चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगा है। जय हिंद, धन्यवाद।